हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठा न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे। हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए प्रश्नोत्तरी के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो ओवरऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए लाभदायक हैं, चाहे सेकेंड ग्रेड टीचर और एसएससी, रेलवे, आर्मी, ओवरऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए यूएनओ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो जाए तैयार। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? ए जैतून की पत्तियां, बी लाल क्रॉस, बी दरियाई घोड़ा, डी हरे रंग का पैड। क्या होगा भाई इसके अंदर? देखें आप, ए नंबर ऑप्शन जैतून की पत्तिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? ए अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, बी संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण समिति, सी संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ए बुर्तस गाली, बी कॉफी अन्नान, सी बान की मून, डी ट्रिक वैली। तो देखिए आप, इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। वर्तमान में जो यूएनओ का महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस है। इससे पहले थे बान की मून जो दक्षिणी कोरिया से हैं, और एंटोनियो गुटेरस जो है वो पुर्तगाल से हैं, और ट्रिक वैली जो है यूएनओ के प्रथम महासचिव बने थे, ध्यान रखे आप। और एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में नौवे महासचिव है। कितने नंबर के महासचिव हैं? नौवे महासचिव हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ए 1 जनवरी 1942, बी 1 जनवरी 1945, सी 26 जून 1945, सी डी 24 अक्टूबर 1945। यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई है? तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा डी नंबर ऑप्शन 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहां पर है? ए वॉशिंगटन, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा, डी हैग। तो ध्यान रखें इसका मुख्यालय कहां है? बी नंबर ऑप्शन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन द्वीप पर यूएनओ का मुख्यालय, ध्यान रखें आप, कभी द्वीप पहुंच ले तो भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 191, बी 192, सी 193, डी 195। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर सी 193। ध्यान रखें 193वां जो सदस्य राष्ट्र है वो दक्षिणी सूडान है जो 2011 में बना, और 192वां जो सदस्य राष्ट्र है वो मोंटीनिग्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसने कहा? ए पामर और पार्किंस, बी ए एच डॉक्टर, सी गुडरिच, डी सेलिचर। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? ए नंबर ऑप्शन पामर और पार्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन किसने कहा था? ए एच डॉक्टर, बी डेविस कुशमैन, सी स्टार्क, डी नेहरू। तो इसमें राइट होगा बी डेविड कुशमैन, क्योंकि दुनिया में सुरक्षा प्रदान करने वाला यूएनओ का यह अभिन्न अंग है सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं। ध्यान रखें आप, इसको दुनिया का पुलिसमैन डेविड कुशमैन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की प्रवर्तन भुजा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को कहा गया? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी न्यास परिषद, डी सचिवालय। तो इसमें राइट क्या होगा? बी सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने
स्थायी सदस्य हैं A5, B7, D10, सॉरी C10, D15। तो देखिए आप, इसमें स्थाई जो है 5, ए नंबर ऑप्शन, और ओवरऑल कितने हैं 15 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार किसे माना जाता है? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी आर्थिक और सामाजिक परिषद, डी न्यास परिषद। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? बी सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार 16 फरवरी 1946 को निशेषाधिकार का प्रयोग किसने किया था? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी ब्रिटेन, डी चीन। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर बी सोवियत संघ, ठीक है ना, निशेषाधिकार यानी वीटो पावर का प्रयोग करता। ध्यान रखें सबसे अधिक बार अगर वीटो पावर का प्रयोग किसी कंट्री ने किया सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य राष्ट्र ने, तो सोवियत संघ रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो पावर के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ नपुंसक है, यह महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षाघातग्रस्त कर दिया गया है, किसने कहा? ए ट्रिगवेली, बी डग हैमरशॉल, सी कॉफी अन्नान, डी कैल्सन। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ए ट्रिगवेली, जो यूएनओ के पहले महासचिव थे। ध्यान रखें डग हैमरशॉल ऐसे महासचिव हैं जिसके हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई है। कॉफी अन्नान और डग हैमरशॉल नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित थे, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहां भेजती है? ए सचिवालय, बी महासभा, सी न्यास परिषद, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर बी महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने महासभा को संसार की नगर सभा कहा है? ए शुमा, बी आइकेल बर्गर, सी गुडरिच, डी ग्लेचियर। तो क्या राइट होगा इसमें? ए शुमा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की लघु संसद की संज्ञा किसे दी गई है? ए सुरक्षा परिषद, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी महासभा, डी न्यास परिषद। क्या होगा इसमें हमारा राइट? सी महासभा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सभा है। इसका वार्षिक अधिवेशन होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतकरण किसने कहा? ए डेविड कुशमैन, बी आइकल बर्गर, सी सीनेटर वांडनबर्ग, डी गुडरिच। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर बी आइकेन आइकेल बर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था का रूप मानव पार्लियामेंट का है? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी सचिवालय, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर ए महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस युग में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है? ए सुरक्षा परिषद, बी आर्थिक और सामाजिक परिषद, सी महासभा, डी न्यास परिषद। तो इसमें जो आंसर हमारा राइट होगा सी महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने हों उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, डी महासचिव। तो देखा आप, इसमें जो हमारा आंसर राइट हो रहा ए महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहां पर है? ए हेग, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। इसमें राइट होगा ए हेग, नीदरलैंड। ध्यान रखे यूएनओ के जितने भी अंग हैं इन सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक अंग का अलग मुख्यालय है वो है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसके पास आज यथेष्ट काम नहीं है? ए सुरक्षा परिषद, बी महासभा, सी न्यास परिषद, डी सचिवालय। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर सी न्यास परिषद का वर्तमान में कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 50, बी 51, सी 55, डी 60। इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा 51। और 51वां जो सदस्य राष्ट्र बना था पोलैंड, और भारत जो बना था 30 अक्टूबर 1945 को बना, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
युद्ध एवं आक्रमणों की आशंकाओं से भयभीत विश्व को नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस एक नई संस्था की स्थापना की? ए छोटी असेंबली, बी सुरक्षा परिषद, सी न्यास परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा ए छोटी असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया? ए 3 नवंबर 1950, बी 3 नवंबर 1951, सी 10 जनवरी 1951, डी 11 मार्च 1953। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर ए 3 नवंबर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? ए 9 दिसंबर 1946, बी 10 जनवरी 1946, सी 10 फरवरी 1946, डी 15 मार्च 1946। तो इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा, देखिए आप, बी 10 जनवरी 1946। और 9 दिसंबर 1946 को जो अधिवेशन हुआ है वो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ है। और ध्यान रखें आप, महासभा का जो अधिवेशन होता है वह प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन व्यक्ति महासभा का अध्यक्ष रह चुका है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी शशि थरूर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन, विजय लक्ष्मी पंडित। ध्यान रहे, विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ के 8वें अधिवेशन 1953 को अध्यक्षता की है, जो कांग्रेस सॉरी यूएनओ की महासभा की पहली और एकमात्र और अंतिम महिला अध्यक्ष थी, जो जिसका गौरव विजय लक्ष्मी पंडित को हासिल हुआ, भारत की महिला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 91वां सदस्य राष्ट्र कौन था? ए जापान, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी इटली। देखा आप, इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा सी पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द किसने दिया? ए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बी स्टालिन, सी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, डी राष्ट्रपति ट्रूमैन। तो बताओ क्या राइट होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। ए नंबर ऑप्शन, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इसने यूएनओ शब्द का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कैसे नियुक्त किया जाता है? ए सुरक्षा परिषद द्वारा, बी महासभा द्वारा, सी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, डी महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद द्वारा। तो देखा आप, इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर सी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी थी और 1997 में पुनः सदस्य बन गया? ए भारत, बी जनवादी चीन, सी स्विट्जरलैंड, डी ब्रिटेन। तो क्या राइट होगा इसमें, डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, ए जनवादी चीन, बी इराक, सी कुवैत, डी ताइवान। तो इसमें राइट होगा डी ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 से 24 अक्टूबर 1995 को न्यूयॉर्क में किस उपलक्ष में संयुक्त राष्ट्र विशेष स्मारक बैठक हुई? ए अमेरिकी राष्ट्रपति का जन्मदिन मनाने, बी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने, सी उत्तर दक्षिणी संवाद को सुदृढ़ करने, डी विश्व व्यापार संघ की स्थापना करने हेतु। देखा आप, इसमें जो राइट होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की अर्जी 12 सितंबर 2006 को 14वीं बार नामंजूर हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। ए पूर्वी तिमोर, बी ताइवान, सी भूटान, डी कोसोवो। तो क्या राइट होगा इसमें, बी ताइवान। 14वीं बार इसकी अर्जी क्या हो गई, नामंजूर हो गई, अर्थात वर्तमान में ताइवान सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष विश्व में शांति बहाली गतिविधियों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला यूएनओ को? ए 1980, बी 1988, सी 1987, डी 1965। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर, बी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में क्यूबा के मिसाइल संकट में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई? ए कॉफी अन्नान, बी यूथान, सी बान की मून, डी बुर्तस गाली। तो देखा आप, इसमें जो आंसर राइट होगा बी यूथान, जो म्यांमार के थे, ये पहले एशियाई महासचिव, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित व्यक्तित्व में कौन सा सही नहीं है? ए, किसी भी सदस्य देश को महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर निष्कासित किया जा सकता है। ब, अभी तक किसी भी सदस्य देश को निष्कासित नहीं किया गया। सी, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में सदस्यता को वापस लेने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है। डी, सन 1965 में इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी थी, परंतु इसके एक वर्ष बाद वे फिर से सदस्य बन गया। देखा आप इसमें राइट होगा सी, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में सदस्यता को वापस लेने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ अभिकरण कौन सा है? ए, महासभा, बी, सुरक्षा परिषद, सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी, महासचिव। तो इसमें राइट होगा बी, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। ए, चीनी, बी, अंग्रेजी, सी, स्पेनिश, डी, हिंदी। तो कौन सी नहीं है? हिंदी नहीं है, डी नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने शब्द तथा धाराएं हैं? ए, 10,000 शब्द तथा 111 धाराएं, बी, 10,000 शब्द तथा 109 धाराएं, डी, सॉरी सी, 11,000 शब्द तथा 112 धाराएं, डी, 11,000 शब्द तथा 111 धाराएं। तो क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन, 10,000 शब्द तथा 111 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर किस देश में हस्ताक्षर किए थे? है ना, ए, न्यूयॉर्क, बी, सैन फ्रांसिस्को, सी, मेडागास्कर, डी, मास्को। तो क्या राइट होगा इसमें? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, बी नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 185वें राज्य के रूप में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित हुआ? ए, क्रोएशिया, बी, पलाऊ, सी, कोसोवो, डी, रूस। तो इसमें राइट होगा बी, पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है? ए, सुरक्षा परिषद, बी, न्यास परिषद, सी, साधारण सभा, डी, सचिवालय। तो इस राइट होगा इसमें बी, न्यास परिषद। वर्तमान में इनका कोई कार्य नहीं है, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको यूएनओ का सदस्य बनाना, उनका सपोर्ट करना, लेकिन वर्तमान में जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद बेखूबी निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य को कितने सदस्यों की सहमति से निष्कासित किया जा सकता है? ए, साधारण बहुमत से, बी, स्पष्ट बहुमत से, सी, दो तिहाई बहुमत से, डी, साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से तथा सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों, 5 स्थायी, 4 अस्थायी के समर्थन से। तो डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, इसमें ध्यान रखें आप, ठीक है ना, कोई भी सदस्य को निष्कासित करना या सदस्य बनाना या कोई बिल पास करना, उसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 वोट अति आवश्यक हैं, उसमें 5 स्थायी और 4 अस्थायी। 5 स्थायी में से किसी एक के द्वारा मना करने पर वो विटो पावर कहलाता है, ध्यान रखें आप। और सबसे अधिक विटो पावर का जो प्रयोग किया है सोवियत संघ ने किया है, और सबसे कम विटो पावर का जो प्रयोग किया है वो चीन ने किया है। तो ये 44 क्वेश्चन थे जो यूएनओ से बनाए हैं, और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए लाभदायक है, मेरे को पूरा विश्वास है आपके समझ में आया होगा। अगर ये क्लास समझ में आई तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से हम निरंतर आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।